देखिए, मेरा किरदार इसमें एक कॉलेज स्टूडेंट का है, और आज के समय में जिस तरह युवा अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं या जिस तरह का उनका डेली रूटीन रहता है, इस तरह का किरदार है। पार्टी में जाना, कॉलेज में मस्ती, दोस्तों के साथ हंसी मज़ाक, टीचर्स के साथ सब चीज़ें, उस तरह का किरदार है जो कि आजकल के लोग ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं अपने आप को, जो आज का यूथ है। कितनी इससे पहले मूवी आ चुकी है? देखिए, ये मेरी पहली फिल्म है। इससे पहले मैं थिएटर किया करता था, ये पहली तो फिल्म डेब्यू है। कर रहे हो, कितनी खुशी है आपको कि देखिए, मुझे बेहद खुशी है, मेरी फिल्म बड़े पर्दे पर आ रही है। काफ़ी मेहनत की है इसके लिए मैंने, और शुक्रगुजार हूँ डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का, अपने दोस्त हैं म्यूज़िक डायरेक्टर साहिल रियान जी का, जिन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी शूटिंग के दौरान। काफ़ी मज़ा आया। एक्टर्स, मेरे को एक्टर्स भैया जी और जितने भी तमाम कलाकार हैं इसमें, एक लाइन बात करें, स्टोरी किस तरह की है आपके किरदार को लेकर? आपकी मेरे किरदार को लेकर। देखिए, मेरा किरदार जो है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता कि कहानी में किस तरह हो जाएगा, क्या करेगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, और गलती सिर्फ तुम्हारी, आप देखेंगे थिएटर में 8 दिसंबर को, क्योंकि ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ मैं। गलती किसकी है इसमें? अब मैं ये नहीं बताऊँगा आपको, ये तो आपको अपने आप ही फिल्म देख के ही पता चलेगा किसकी गलती है। आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है आपको? इस फिल्म से मुझे बहुत उम्मीदें हैं, बहुत आशाएं हैं, बहुत मेहनत की है, और सभी ने अपना 100% दिया है, और उम्मीद करता हूँ इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। काफ़ी होपफुल इस फिल्म को लेके। इसके अलावा कोई और प्रोजेक्ट है आपके अभी? इसके अलावा मैं 2 प्रोजेक्ट पे अभी काम क्या चल है? रहे हैं। फिल्म है बॉलीवुड की, अभी ज़्यादा नहीं डिस्क्लोज कर सकता हूँ।